हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था और हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो था उसमें हमने जाना था रो एंड कॉलम के बारे में, एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स के, इनके बारे में जाना था। और आज के इस वीडियो में हम जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, एडिशन किस तरीके से होता है एंड सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 3, 2, बी की वैल्यू है 1, -2, 3, 5 एंड सी की वैल्यू -2, 5, 3, 4। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, जिसको कि मैं इस में भी बताने वाला हूँ। और इसमें हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है, एक बार ए माइनस बी, फिर 3a-c, फिर ए बी और फिफ्थ में बी ए करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 में टोटल हमारे जो क्वेश्चन है ये 22 क्वेश्चन है, तो इनको हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, पहले का हमारा क्या है, ए हमारे पास क्या गिवन है, 2, 3, 4, 2 एंड बी हमारे पास गिवन है 1, -2, 3 एंड 5 एंड सी हमारे पास गिवन है -2, 3, 5 और 4। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है, हमें ए प्लस बी करना है। और वीडियो जैसे कि ये हमारा 2 और 4, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा क्या होता है, रॉ होते हैं। और ये जो 1, -2, 3 और 5 ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ये हमारा रॉ होता है और ये हमारे कॉलम होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ए प्लस एडिशन वाले को हम ऐड किस तरीके से करेंगे, 2, 3, 4, 2 प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, -2, 3 और 5। तो इन दोनों को अगर ए प्लस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी हमारा क्या आएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ये माइनस है, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 + 3 = 7 हो जाएगा, 2 + 5 = 7 हो जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया एडिशन करना, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, मतलब a11, a12, a21, a22 इसी तरीके से इसको इसके साथ ऐड करते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, a-b है, a-b। ए हमारा क्या है, 2, 3, 4, 2 माइनस का साइन है क्योंकि माइनस करना है। और बी हमारे पास क्या है, 1, -2, 3 एंड 5। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 ये माइनस का 2 है और माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 = 5 हो जाएगा। 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 2 - 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया a-b का। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, 3a-c करना है। थ्री ए का मतलब क्या होगा, जो भी हमारा ए का मैट्रिक्स है उसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले।
उसके बाद सी से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और ए हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 2 माइनस का, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 2, 3, 5, 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3, 2 जै 6, 3 का सबके साथ होगा, 3, 2 जै 6, 3, 3 जै 9, 4, 3 जै 12, 3, 2 जै 6 माइनस माइनस 2, 3, 5, 4, 6 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 2, 8, 9 माइनस 3, 6, 12 माइनस 5, 7 एंड 6 माइनस 4, 2। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का, पहले क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट का ही आंसर है। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट जो है हमारा है ए इंटू में बी, और ये जो टर्म होती है ना मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी इजी है और अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही हमारा जो क्वेश्चन में आता है ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो वो अब हम सीखते हैं। अब ध्यान से इसको सीखें, ए और बी का मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन। ए हमारा क्या है, ए है हमारा 2, 3, 4, 2 और इन टू में है, और यहाँ पे बी हमारा क्या है, 1, -2, 3 और 5। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ए बी इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जो रो है ये 2 और 4, इसको हमें क्या करना है, पहले कॉलम से इसको इनटू करना है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, 2 और 4 को 1 और 2 से करना है, माइनस 2 से। तो सबसे पहले 2 को 1 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 4 को 2 से करेंगे, ये नीचे वाले से माइनस का है, तो 4, 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये 2 और 4 को फिर इसके साथ करेंगे, दूसरे के कॉलम के साथ, तो 2 को 3 से करेंगे, तो 2, 3 जा 6 और 4, 5 जा 20 प्लस का 20। इसी तरीके से जब ये ऊपर पहला जो रो हो गया कंप्लीट, इसके बाद हम दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, इस तरीके से हम इसको इनटू करेंगे। तो 3 को 1 से करेंगे, रूल क्या है, 3 को 1 से करेंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3, और फिर 2 को 2 के साथ करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 4। अब इसी तरीके से 3 को 3 के साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ, 3, 3 जा 9 एंड 2 को 5 के साथ करेंगे, तो 5, 2 जा 10। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, 2 माइनस 8 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6, 3 माइनस का 4 है, माइनस का 1, 26 हो जाएगा ये, और ये हमारा 19 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ का आंसर हो गया, ए इंटू बी का मैट्रिक्स का ये हमारा आंसर हो गया। और आप इसके बाद आप जो फिफ्थ क्वेश्चन है बी इंटू में ए मैट्रिक्स को, उसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा हमें क्या सॉल्व करना है, बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। तो बी हमारे पास क्या है, 1, -2, 3 और 5 है, और ए हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 2। और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट अभी तक हमने किए आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई इसी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसको हम जैसे करते हैं, 1 को 2 के साथ 2 एंड 3 को 3 के साथ 9, फिर 1 को 4 के साथ 4 प्लस 3, 2 जा 6
टू ज़ा माइनस का 4, 5 3 ज़ा 15, अब माइनस का 8, 5 2 ज़ा 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ए का हमारा आंसर आ जाएगा 11, माइनस का 4 प्लस का 15 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 और ये हमारा 2, और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का। हमने क्या किया, 1 पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये हमारा रूल होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ऐड करना है, सेकंड पार्ट में भी ऐड करना है, थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है ऐड करना है, एंड फोर्थ पार्ट में भी इसके एडिशन ही करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट में हमें क्या करना है एडिशन करना है। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दो जो हमारे चैप्टर हैं क्लास ट्वेल्थ में 3 एंड 4, इसके बाद हम डिटरमिनेंट करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर हैं ये हमारे, और नंबर गेनिंग चैप्टर होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा है ए बी माइनस का बी ए प्लस ए बी बी ए। हमें सिंपली क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों को, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ए प्लस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2a लिख देता हूँ। b माइनस बी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का 0 हो जाएगा, b प्लस बी 2b, ए प्लस ए 2a, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, और यहाँ पे हमारा क्या है 2ab माइनस में 2ac 2bc माइनस में 2ab। सिंपली हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2ac, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2bc, और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट का। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा क्या है, और आप ये लिखना बिल्कुल ना भूलें कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है। ये हमारी जितनी भी अभी तक हमने मैट्रिक्स किए हैं 2x2 की मैट्रिक्स थी, और जो अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं ये 3x3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। और इस कारण मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि एडिशन काफ़ी इजी होता है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। और अगर आपको लगता है कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं इजी वे में, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसको भी शेयर करें, जिससे कि उसके पास भी ये वीडियो पहुंच सके।
अब हमें क्या करना है, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 और ये भी हमारी 3 × 3। और कभी भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो मैट्रिक्स हो वो दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए, 2 × 2 होनी चाहिए, 3 × 3 होनी चाहिए, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इनको एडिशन करना है, तो माइनस का 1 प्लस का 12, इसका हम क्या लिख सकते हैं 11, 8 + 8 = 16, 3 + 2 = 5, 4 = 11, 5, 8 + 2, ये 8 और ये 2, 10, -16 प्लस का 6, 10, 16 + 5 = 21, 5 + 4 = 9। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स सॉरी ये अलग अलग है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, प्लस क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और हमें क्या करना है, ऐड करना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 होती है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको हम फाइंड सॉल्व करेंगे, और इसका जो इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, ये काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 1st पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3 के 1st पार्ट को, जिसमें हमारा ए माइनस बी बी ए, ये ए बी, ये माइनस का बी और ये है ए, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये रो इसका कॉलम, तो ए को ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर बी को बी के साथ करेंगे प्लस का बी स्क्वायर, इसी तरीके से इसको इसके साथ करेंगे, ए को बी के साथ करेंगे तो माइनस का ए बी और बी को ए के साथ करेंगे तो प्लस का ए बी, इसी तरीके से नीचे करेंगे तो माइनस का ए बी और ये हमारा प्लस का ए बी और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस का ए स्क्वायर, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल 0, ये भी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, या तो बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिखे तो भी सही है। ये हमारा क्या हो गया, 1st पार्ट का आंसर हो गया। अब हम 2nd पार्ट सॉल्व कर रहे हैं।
ये क्या होता है हमारा, रो होते हैं ये, और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ओके, ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को। और सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रो कौन से हैं, कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो अगर हम पहले मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें हमारा रो क्या होता है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो ये तो तीन रो हो गए। और कॉलम कितना है, सिर्फ एक परपेंडिक वर्टिकल लाइन है ना, एक, तो एक हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो 3x1 की मैट्रिक्स है ये। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2, 3, 4 में हमारे जो रो हैं वो रो क्या है, सिर्फ एक ही सिंगल रो है एक ही लाइन में, तो एक रो और कॉलम कितना है, 1, 2, 3, तीन कॉलम है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रो और मैट्रिक्स फाइंड करना। अगर आप ये दो चीज़ फाइंड कर लेते हैं तो ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रो और कॉलम में समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारा क्या होता है, रो होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा कॉलम होता है। तो ये 1, 2, 3, ये हमारा क्या हो गया, रो, और एक हमारा परपेंडिकुलर जो वर्टिकल है वो हमारा कॉलम हो गया। इसी तरीके से हमारा रो तो यहाँ पे सेम 1 है, और पर कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 3 कॉलम है, तो 1x3 की मैट्रिक्स है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ इंटू करते हैं। ओके, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर 1 को सबसे पहले 2 से इंटू करेंगे, ये रो है ना हमारा, इसको कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3, और फिर 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4। ओके, इसके बाद 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 2 को 3 के साथ करेंगे 6, और 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8। इसी तरीके से 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6, 3 को 3 के साथ करेंगे 9, और 3 को 4 के साथ करेंगे 12। और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।